नमस्कार मित्रों, इस समय मैं खड़ा हूँ रुड़की के नेहरू स्टेडियम में। पीछे दंगल का वो अखाड़ा है जो कि लगभग 50 साल से बड़े बड़े पहलवानों को तैयार करने के लिए मशहूर है, और मेरे साथ दंगल समिति के गुरुवर और सदस्यगण यहाँ पर है। अगस्त का महीना है, अगस्त का महीने में पहला बुधवार का जो दंगल होता है उसमें थोड़ी संख्या कम रहती है। उसका कारण है कि 15 अगस्त में यहाँ पर बहुत ही बड़ा दंगल कराया जाता है, जिससे देश भर के दूर दूर से बहुत बड़े बड़े पहलवान भी आते हैं। मैं इस समय जानना चाहूँगा, जो सदस्यगण हैं उनसे जानना चाहूँगा कि दंगल में 15 अगस्त में क्या क्या तैयारी है और क्या क्या होने वाला है। तो पहले आप मुझे ये बताएं, 15 अगस्त में दंगल होने वाला है, कितने पहलवान कहाँ कहाँ से आने वाले हैं? उसके अंदर जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो 10 के पहलवान हैं, मुजफ्फरनगर के, मेरठ के, हरियाणा के, बहुत दूर दूर से पहलवान कुश्ती लड़ने आएंगे। दिल्ली से भी आएंगे, दिल्ली से भी पहलवान आएंगे, देहरादून से भी आएंगे, उत्तराखंड के जो नामी पहलवान हैं, और काफ़ी पहलवान आएंगे उसमें। और ये हमारा दंगल बहुत मशहूर है 15 अगस्त का, और वैसे महीने के पहले बुध का दंगल होता है। ये तो प्राचीन समय से चला आ रहा है, हमारे गुरुजनों के गुरुजनों से भी, और आज हम इसे चला रहे हैं। और 15 अगस्त का दंगल भी नियमित रूप से होगा, बहुत बड़ा। लगभग कितने पहलवान आ जाएंगे? कम से कम 200 पहलवान आएंगे। 200 पहलवान की कुश्ती हो जाएगी? हाँ जी, छोटे बच्चे समेत सबके 200 पहलवान आएंगे। लगभग जो पहलवान जो फर्स्ट प्राइज आता है उसके जो होता है प्रोसीजर पूरा होने का, फर्स्ट प्राइज, उसको कितना इनाम मिलेगा? 5100 रुपये। इसके अलावा जो पब्लिक भी जो इनाम देती है? हाँ, पब्लिक खूब इनाम देती है, शौकीन लोग हैं यहाँ के, पब्लिक भी खूब देती है, और यहाँ पर आने जाने का किराया भी दिया जाता है पहलवानों को। हार जीत तो बात की बात है, सहूलियत दी जाती है बाहर से आने वाले पहलवानों का, क्योंकि पहलवान जीतता भी है हारता भी है, लेकिन उसको आने जाने का किराया और उसको खर्चा भी दिया जाएगा। ये जो अखाड़ा है, इस समय अखाड़े में बहुत बड़े बड़े पहलवान पैदा हुए हैं यहाँ से, मतलब आप लोगों ने तैयार किए हैं, तो कोई एक दो ऐसा नाम बताएं जो कि बहुत आगे तक जा चुके हैं? हाँ, एक यशपाल पहलवान है, इंटरनेशनल है, रेलवे में अधिकारी है, गोरखपुर में है। और भी कोई नाम है नए लड़के? हाँ, नए लड़के कर रहे हैं, ये राजा पहलवान है, और छोटे बच्चे हैं जो बेटियाँ, अंकित पहलवान है, यही हमारे अखाड़े से भी उसकी गुड़िया मेडल लाई है नेशनल में। और महिला में जो एक नाम अभी चल रहा है, एक लड़की है, वो नाम अंशी पहलवान है, वो अंशी का, अंशी लोहान वो है, और भी बालिकाएँ यहाँ प्रैक्टिस करती हैं कुश्ती की, जो बहुत सपने देख रही हैं यहाँ बहुत आगे जाने के। 15 अगस्त में कितने, मतलब कि जो लोकल अपने जो बच्चे हैं कितने रहेंगे उसमें? ये कम से कम 20-25 बच्चे रहेंगे हमारे अपने, हाँ, जो रोज नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, आप लोगों को उम्मीद है कि ये जो 15 अगस्त में अगर दंगल होता है तो बिना बारिश के हो जाए? अगर बारिश हो जाए तो क्या करेंगे? देखो, अगर बारिश में ऐसा होनी नहीं चाहिए, कभी ऐसा हुआ था ना, लेकिन इतने लोगों की दुआएं हैं और इतने लोग आएंगे तो ऐसा तो मुश्किल ही है। तो मतलब दंगल बारिश में भी करेंगे? होएगा दंगल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 15 अगस्त में होने वाले इस विशाल दंगल में राजेंद्र बाड़ी, जो कि हरिद्वार क्षेत्र के पूर्व MP हैं, इसके अलावा वरिष्ठ भाजपा नेता मयंक गुप्ता, अरविंद कश्यप, राजीव गर्ग, अमित कुमार, शक्ति राणा, अजय वर्मा, नीलू राणा, राजू पहलवान, संजय पहलवान, शालू साबरी, विकास सिंघल, देवेंद्र पोलू, इंदरपाल बेदी, रविंदर एडवोकेट, संदीप कुमार, नितिन नागवंशी व टिंकू बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं आपसे फिर मिलूँगा दूसरी किसी ऐसी ही वीडियो में। अंत तक मेरे साथ आप रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। मैं आपसे फिर मिलता हूँ। नमस्कार।